नमस्कार, मैं रिजवाना, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को मिली मौत की सजा पर रोक लगा दी है जिसे एक महिला की गला घोटकर हत्या करने, उसके पेट को काटने और उसके शरीर के कुछ अंगों को बाहर निकालने के भीषण कृत्य के लिए दोषी पाया गया था। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस सजा पर रोक लगा दी, लेकिन बेंच ने अपराध की भयानकता पर घोर आश्चर्य जताया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा विधिक सहायता योजना के तहत दोषी मोहन सिंह के लिए पैरवी कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता लूथरा से कहा, हमने इस तरह का कोई मामला कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, क्या वो कोई राक्षस है क्या? पीठ ने कहा, आपके मुवक्किल ने सबसे अप्रिय कार्य किया है, उसने पेट काटकर खोला और उसमें कपड़ा डाल दिया, क्या ये कोई सर्जन है? पीठ ने तब मामले का रिकॉर्ड मंगवाया और मौत की सजा के निष्पादन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि इस देश की सभी अदालतें शीर्ष अदालत के फैसले से बंधी हुई हैं। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन के नेतृत्व वाली पीठ भूमि अधिग्रहण मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी पर विचार कर रही थी। पीठ के समक्ष ये प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को ये लगता है कि कार्यकारी अदालत ने गुरप्रीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 8 एससीसी 457 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन नहीं किया। एक वकील ने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा को एक रिप्रेजेंटेशन देकर सीबीआई के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी राघवेंद्र वत्स के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा शुरू करने की अनुमति मांगी है। सीबीआई के डीआईजी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी वकील के मुंह पर घूसा मारा था। एडवोकेट अमित साहनी ने सीबीआई अधिकारी के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए अदालत की अवमानना कानून 1971 की धारा 15 के तहत रिप्रेजेंटेशन दिया है और कहा है कि सीबीआई अधिकारी ने न्यायिक प्रशासन में जानबूझकर बाधा पहुंचाई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार 26 अक्टूबर को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो एक हलफनामा दायर करके बताएं कि राज्य में दर्ज ऑनर किलिंग के कितने मामले ऐसे हैं जिनमें अभी तक सुनवाई या जांच अभी लंबित है और इन मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने राज्य सरकार डीजीपी को ये आदेश दिया है कि वो बताएं कि ऐसे मामलों में जीवित रहने वाली पत्नी या पति और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने और अभियुक्तों को ऐसे जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने में मदद करते हैं। हिमाचल प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत किसी अभियुक्त को भगोड़ा घोषित करना उसे अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने से रोक नहीं सकता है। जस्टिस अनूप चिटकारा की एकल पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 82 ना कोई राइडर तय करती है और ना ही भगोड़े अपराधियों को अग्रिम जमानत दाखिल करने पर कोई रोक लगाती है। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एक एफआईआर जिसमें उस पर 15 साल की लड़की का बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, उसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी 19 जुलाई 2013 को डाली थी। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।